भी देख लो बाबू फिर अपना याद कर ले। सभी के लिए हेल्पफुल है। जैसे ये है इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? पॉइंट। इसका नाम दे सकते हो, जैसे ये ओ नाम दे दिया, कुछ भी नाम लिख दो। ये पॉइंट पी, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ओ, या फिर बोलेंगे पॉइंट पी। आगे समझ में? अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये खींची लाइन और दोनों तरफ हमने लगाया एरो, इसको कहेंगे लाइन। और इसका नाम भी लिख देंगे, अगर मैं लाइन नाम लिख रही हूँ यहाँ कुछ भी पॉइंट देके ए बी, तो मैं इसका नाम दे रही हूँ लाइन ए बी। या तो मैं ऐसे लिख दूँ ए बी, ऐसे लिखिए दोनों तरफ एरो, इसको पढ़ेंगे लाइन ए बी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लाइन ए बी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तुम्हें सिंबल आना चाहिए इसका। तो लाइन का सिंबल क्या होता है? दोनों तरफ एरो होता है। अब है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ा। सेगमेंट माने पीस। तो यह है लाइन सेगमेंट। इसका नाम मान लो ए बी दे दिया मैंने, तो इसको अगर आपको लिखना है लाइन सेगमेंट को, तो ऐसे लिखना है दोनों तरफ एंड पॉइंट। इनको एंड पॉइंट कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? लाइन सेगमेंट, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम? लाइन सेगमेंट ए बी, या पी क्यू नाम, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। आ रहा है समझ में कुछ? हाँ जी। ठीक है, अब तुम्हें इनको नापना सीखना है, मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अब स्केल है, स्केल से कैसे मेजर करोगे? ये किसका स्केल है तुमको समझ नहीं आ रहा? किसका है स्केल? दूसरा लेके आ रही नहीं है, कटाई नहीं होती है गंदे बच्चों को। सुनो, जो ये जीरो से शुरू है ना, यहाँ से नापते हैं हम। कहाँ से? पहली वाली जो लाइन है जीरो से यहाँ से नापना। अगर मुझे बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा मेजर लाइन सेगमेंट, सुनो मेजर लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी को नापो, तो मैं क्या रखूंगी? जीरो है ना, यहाँ पे रखूंगी इसको पहले पॉइंट, फिर यहाँ। तो ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 से पूरा कम है, 4 के करीब है, 3 और 4 के बीच में 4 लिख दो तुम। क्या लिखेंगे हम? हम लिखेंगे ए बी इक्वल, लाइन सेगमेंट है तो ऐसे लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 3.4 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 3.4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये हो गया। अभी हमने सीखा पॉइंट किसे कहते हैं। लाइन मीन्स दोनों तरफ एरो, इसमें एंड पॉइंट नहीं होता। यूं नहीं पता खत्म कहाँ हो रही है, तो इधर कितनी बढ़ा दो इधर भी बढ़ा दो कितनी। लाइन सेगमेंट का पर फिक्स एंड पॉइंट है, ये भी एक दो, कितने एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट? दो एंड पॉइंट होते हैं। और इसको लिखने का मैंने सिंबल बता दिया, ऐसे लाइन खींच के लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, पर हमें ऐसे लिखना आना चाहिए सिंबल में। ठीक है, अब ये दिया है मेजर पी क्यू। अब पी क्यू को नापना है, राइट देयर लेंथ, इसको नाप के लिखना। नापना मैंने बता दिया, जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। कितना हो गया भाई बताओ फटाफट, कितना हो गया? 5 से थोड़ा कम हो रहा है, 4.8। तो इसको बना के हम स्केल से नापना आना चाहिए। पेंसिल स्केल है किसके पास? सबके पास अपनी अपनी कॉपी में 5.8 सेंटीमीटर। देखो मैं बता रही हूँ कैसे खींचेंगे। पहले यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे डॉट लगा लो हल्का सा, 5.8। 5 के बाद ये 5 होता है बड़े वाले डंडे पे, फिर 6, 7, 8 ये हो गया, यहाँ तक 5.8 ये खींच दी हमने। पर क्या है? लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लिख दो 5.8 सेंटीमीटर, और इसका नाम भी लिख सकते हो आप पी। टच करके मत लिखना, गलती से हो गया, टच नहीं करना, रबड़ दो पेंसिल और स्केल ले लिया, टच नहीं करना बाबू, है ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इनको, टच नहीं करते। स्केल ही दे दे कि पेंसिल दे दे बस, ये हो गया 5.8। अब इसको लो और इसको आप लिख दोगे ऐसे। अब इसको सिंबल में भी लिखना है 5.8 सेंटीमीटर। चलो बनाओ ऐसे 5.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो फटाफट। ये कितना है भाई मुझे बताओ, कितना हो रहा है? ये भी 5.8 है, 5.8 है, और ये भी 5.8 है, छोटा दिख रहा है, 5. था कि कम था, गलत हो गया, ये 4.8 था ये पहले, मुझे भी ये लग रहा था 4.8 था, 5 कोई बात नहीं, जो जितना तुम बनाओ, मैंने तो 5.8 ही बनाया, तुम 4.8 बना लो एक,
ठीक है, फोर पॉइंट एट, फाइव पॉइंट नाइन, आप इसको भी नाप के देखो। ऐसे हम ये तो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ना, 2.8 बना के दिखाओ, चलो 4.8 बनाना है, 2.8 ये तो दिख ही नहीं रहा है, स्केल का कोई फायदा नहीं, इससे मत बनाओ, रहने दो, पहले लिखना 4.8 सेंटर लाइन खींचने का, तुम सिर्फ अभी ना इतने ऐसे में काम बड़ो का समझते जाओ, स्केल नहीं है ना, तुम अपना लेके आना आगे से, कैसे बनाओगे स्केल नहीं है, नया ले लेना अन्नाक्ष, अच्छा वाला, ये कलर वाला लगा रखे हैं, कलर वाला पोसते रहती है, जल्दी बना फटा, 10 घंटे नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, अयान रख दो, क्यों हाथ वाथ सड़ा रहे हो अपने, वो रखा स्केल उसका, मेरे पास मैं बता दूंगी, यहाँ रखो 4.8, मतलब इसमें जीरो नहीं दिया ना, शुरू वाला जो बारीक सा डंडा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसे बनाते नहीं है वैसे, स्केल से बनाया करो, इससे तो समझ नहीं अगर बना के यार मुझे दियो, मुझे करने दो यहाँ से, ये एक शुरू में जो है ना एक डंडा सा है, उसके बाद से लेके इसके बाद 4.8 से ढूंढ, मैं बहुत बारीक है, सही है, इसके बाद एरो लगाने नहीं, डॉट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो तुम, क्या इसका नाम लाइन सेगमेंट, इसका नाम ले दो पी क्यू, क्यू, और लिख दो इसके बीचों बीच, लिख दो कितना सेंटीमीटर ड्रॉ किया है तुमने, 5.8 तो लिखो, 5.8 कोई बात नहीं, उसके 5.8 बनाई है तुमने, 4.8 कोई बात नहीं, तुमने जितना बना रहे हो ना उतना लिखो तुम, 5.8 सेंटीमीटर नहीं, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट, तुम अपने एस्ट्रोलो नहीं बना पाओ, फायदा कुछ है नहीं ना, मैं बता तो रही हूँ, तो जब तुम्हारे पास स्किल नहीं है, मैं तो बना रहा है अपने से ही, लाडू को तुम याद कर लो, कोई नहीं अभी बस समझ लो तुम लोग, कर ले आना फिर आगे करा दूंगी, एग्जाम खत्म होते तुम्हारे, बोलो द हाईएस्ट रीजन, द लार्जेस्ट डेजर्ट, सहारा, अफ्रीका, सहारा कहाँ पे, अफ्रीका में, जो जगह दी है ना, नहीं ये चीजें यहाँ पे इन देशों में पड़ती है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर का नाम क्या है, नाइल, कहाँ पे, इजिप्ट में, हिंदी में नील कहते हैं इसे, द लार्जेस्ट कोरल रीफ क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, क्या बोल रहे हो, थोड़ा दूर बीच में को बना लिया, काफी जगह होती है, द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, एरिया में सबसे बड़ी कंट्री का नाम क्या है, रशिया, माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे है, नेपाल, तुम अपना ही बड़ा रूम को रहने दो, कल सामान लेके आना, कल बनाओ, तुम्हें स्केल लेके आना, पेंसिल रबड़ बस, रहने दो, इनके साथ लगेंगे टाइम वेस्ट, बस समझ लो आज, नहीं कल करके दिखाना, पॉइंट बताना, लाइन सेगमेंट है, खुद याद रखो ना, लाइन सेगमेंट बताया ना मैंने, और इसका सिंपल भी लिखना है इनका, अभी नहीं बनाना ना, जब तुम्हारे पास सामान नहीं है, अब टाइम वेस्ट होगा, सुनाओ हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम बताओ, अबे ये क्या हो गया, पेंसिल को नंगी, बताओ भाई द हाईएस्ट वाटरफॉल, बताओ अभी तुमने कहा मुझे याद है, द हाईएस्ट वाटरफॉल, अरे यार अयान टूट जाएगा स्केल, सहारा की स्पेलिंग बताओ, याद नहीं है आपको, याद करो, याद करो, हाँ
तो अब इसको ना यहाँ मत बना के बीच में को बना, यहाँ नहीं बनाना, आगे से ना यहाँ से बनाओ लगभग इतनी दूरी से, ठीक है? यहाँ बनाओ, इतने यहाँ नहीं बनाना। अरे बीच में कोई स्टार्टिंग में नहीं बनाते, थोड़ा इधर को बना लो, इतना स्पेस है, देखो आयान ने सही बना रखे हैं। आयान इधर को बनाओ, इसे ही बताऊंगा। ये मोदी जी ने बनाया सिंबल्स लगाने हैं। अरे वो तो इंडिया आयान ऐसे ऐसे भी लिख दो आयान, देखो ऐसे सिंपल में भी लिख दो तुम इसे, ऐसे क्या पढ़ेंगे इसे बोलो, लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल 5.8 सेंटीमीटर, ऐसे अब क्यों आ रहे तो क्यों आ लिख देना, ऐसे इनका सिंबल भी लिख दो तुम। देखो याद कर लो बाबू, मैं इसका सुनूंगी फिर आपका सुनूंगी, ठीक है? रशिया की स्पेलिंग बताओ भाई। रशिया की आर ए एस आई वो तो आर यू एस आई ए, याद नहीं आर यू एस एच आई ए, याद ही नहीं है ना कुछ भी, याद करो ऐसे नहीं है, याद करो फिर डालेंगे नहीं तो। याद करी थी नहीं कहते इसे, तुम मेहनत नहीं करते हो, डुगू मेहनत करता है, एक बार पढ़ते नहीं हो ठीक से, बस हो गया हो गया, ऐसे हुए ना, याद करना है थोड़ा टाइम लगेगा देर तक, लेकिन पक्का याद होना चाहिए। हाँ डुगू पढ़वाती हूँ, हाईएस्ट क्या हुआ है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ, पेट में सुसू आ रही है, मैं पूछ तो रही हूँ, टॉयलेट आ रहा है बता देते हैं ना, नहीं आ रहा, घर जाना है, हैं एक बार घर जाना है क्या, बताओ जाना है तो मुझे बता दो, बता देते हैं ना, कई बार वैसे पेट दर्द क्रैश होने जाना है तो बता दो मुझे, भेज दूंगी मैं घर, बताओ ऐसा लग रहा है, खाना नहीं खाया इसने, उससे भी पेट में खाना नहीं खाया तुमने, हैं सही से नहीं खाया, वो तो बोल रहा है खाना नहीं खाया, हैं इन्हें दो बाइट खा के आ गया था, तो दो बाइट में क्या होगा, दो लट पोटी पोटी आ रही होगी, चले जाए घर आ जाए, बाद में आ जाइयो, तो वो भी चले जाए इसके साथ, तो ये करने का मन कर रहा है तुम्हारा सम्स, हैं इसलिए उदास हो, अभी इसके पास बाबू एक स्केल, आगे से तुम स्केल ले आना, कल से तुम भी कर लेना, वो ऐसी दर्द तो रहेगा उसमें, हिंदी का पढ़ लो, तुम्हारा हिंदी का पेपर रहने दो उसको भी, है ना, जीके की बुक मुझे दे दो, हिंदी याद कर लो, चलो फिर तुम्हारा हिंदी का भी करवाना ना, हिंदी याद कर लो, ऐसा करना कल से ना तुम लोग भी अपना स्केल ले आना, फिर तुम्हें भी सम्स कराऊंगी, स्केल लेके आना, पेंसिल लेजर रहता ही है तुम्हारे पास रोज, सही लिखा है बाबू तुमने, आप इसको ना सिंबल में भी लिख दो, सिंबल में कैसे लिखेंगे, ए बी लिख के, तो इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल, ये खुद ही लिख देना है, बस हो गया है, ए वाला नाम डाल दो कुछ भी, कि एट कर लिया हमने, आप 4.8 बना दो, कुछ नहीं होता है, आया नहीं है इसके ऊपर, नहीं खींचना है इधर आओ, ये तुम्हारा गलत हो गया, जो सही है उसके ऊपर खींचेगी ना लाइन सेगमेंट, यहाँ लिखा नहीं, देखो ना नाम दिया तुमने, अयान नाम भी नहीं दिया तुमने तो, ना लिखा नाम दो, ये खुद ध्यान देना है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, खुद ही पता होना चाहिए, तो 8-9 आएगा इसमें, पेन दे यार, ऐसा दर्द हो रहा है ना, ये रहा, खाना खा के आना है, खाना खा के आ जाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, डुगू ये तो बोल रहा है खाना नहीं खाया, दो ही बाइट खाए, दो बाइट से क्या होगा, हम आयान और मैं रास्ते में मिल गए थे, हम आ गए थे, और हम हमारे जो नीचे वाला फ्लोर है ना वहाँ पर आए थे, तब फिर ये ही आ गया था सीधा, इनने खाया ही क्या होगा फिर, मैं तो ऐसे जल्दी करने के नहीं बोलती ना, अपना खा पी के आओ, फायदा क्यों बता रहे हो, खाना है
खाना हो तो बता दे। दे दो भाई, मैं नाप लिया, लिखा नहीं यहाँ पे, लिखना भी है ना, फिर बार बार क्या बता रही हूँ, ये लिखना। अच्छा, अब खुद ध्यान दो, इनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम बस अपना पढ़ने में ध्यान दो। यहाँ यहाँ इक्वल नहीं लगाना है तनिष्का, सेंटीमीटर भी नहीं लगाया, सेंटीमीटर लिखना होता है यहाँ की 5.8 सेंटीमीटर है। अच्छा आ गया तुम्हें समझ में, लाइन सेगमेंट बनाने। मुझे भी आ गए। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू। वेरी गुड। पेट में? अरे मुझे बताएगा, घूम ले थोड़ा सा। घूम लो बाबू, खड़े हो गए, खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, बाहर चले जाओ, घूम ले थोड़ा सा, बाहर नहीं, नहीं घूम लेना, बाहर नहीं। कैमरे के सामने मत आइए बस, ये सीधा कान।